कैसे हो? सब ठीक है ना? सब घर पर सभी ठीक है ना? चलो बच्चों, आज हम एक नया कविता के बारे में जो जानकारी हासिल करेंगे, उस कविता का नाम है वहाँ चिड़िया जो। कविता का नाम क्या है? वहाँ चिड़िया जो। कविता का नाम वहाँ चिड़िया जो। ये कविता का नाम है। और कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। कविता का जो विवरण बाद में दूंगा, कवि का नाम जो केदारनाथ अग्रवाल है, इस कवि का जो परिचय जो पिछले वीडियो कक्षा में आप लोगों को देख चुका हूं, बाद में आप देख लो और याद भी कर लो। आज हम वह चिड़िया जो कविता का जो पहली पंक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जो पहली पंक्ति का जो मैं लिखता हूं, उसे ध्यान से यहां पर देखो और एक बार पढ़ो। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। चलो बच्चों, मैंने वह चिड़िया जो कविता का पहली पंक्ति को लिखा हूं और पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए और सुनिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखो बच्चों, वह चिड़िया जो कविता में पहली पंक्ति का इस तरह जो लिखा है, अब हम उसके बारे में देखना है और इसका भावार्थ देखना है। यहाँ पर चिड़िया जो अपना भावना को व्यक्त कर रही है, उसको केदारनाथ अग्रवाला ने
प्रस्तुत करके बता रहे हैं। चलो देखेंगे अभी वह चिड़िया जो पहली पंक्ति का जो शब्दार्थ, क्या लिखेंगे शब्दार्थ, कठिन अर्थ, कठिन अर्थ शब्दार्थ। यहां पर वहा, यहां पर दिया गया है ना वहा चिड़िया जो, वहा वहा का मतलब क्या है, वहा वहा का मतलब है निर्वाह करना, निर्वाह करना, निर्वाह करना। वहा का मतलब होता है देर, यहां पर कविता के अनुसार निर्वाह करना। उसी तरह चिड़िया, चिड़िया आप लोगों को मालूम है चिड़िया स्पैरो, लेकिन हम लोग यहां पर चिड़िया को पक्षी कहते हैं, पक्षी गोरैया, क्या बोलेंगे गोरैया, गोरैया कहते हैं। उसी तरह चोंच, चोंच का मतलब क्या है, चोंच, चोंच का मतलब क्या है, पक्षियों के मुंह के, पक्षियों के मुंह का नुकीला भाग, नुकीला भाग, बाघ, बाघ का मतलब होता है पार्ट। और उसी तरह जुंडी, जुंडी, जुंडी का मतलब क्या है, ज्वार की बालियां, ज्वार की बालियां, ज्वार की बालियां। ज्वार की बालियां, ज्वार की बालियां का मतलब होता है कन्नड़ में बोलते हैं आप लोग जोलद तेने, क्या बोलते हैं तेने, आप तेने वड़गड़े इरुवंतह काळिनल्ली जो हाल इरुत्ते दूध ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜುಂಡಿ ಅಂದರೆ ತೆನೆಗೆ ಜುಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹಾಲು, ಆ ಒಂದು ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂತವೆ, ಜೊ ಖಾತೆ ಹೇ. ಅಬ್ ಜುಂಡಿ ಹುವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಚಿ, ಕ್ಯಾ ಹೈ ರುಚಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೀ ಹೇ, ರುಚಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಇಚ್ಛಾ, ಕ್ಯಾ ಹೈ इच्छा। और संतोषी, क्या बोलेंगे संतोषी, संतोषी हैप्पी, संतुष्ट, क्या बोलते हैं संतुष्ट, संतुष्ट कहते हैं। और अन्न, अन्न, अन्न का मतलब होता है भोज्य पदार्थ। ये क्या है सर नया शब्द, ये भोज्य का मतलब होता है भोजन का पदार्थ, भोज्य पदार्थ, देखो अन्न का मतलब होता है भोज्य पदार्थ, जो कुछ भी हो, पिज्जा बर्गर को कुछ ना खाते हैं ना, उसको हम भोज्य पदार्थ, खाने के लायक पदार्थ को अन्न भोज्य पदार्थ कहते हैं। चलो बच्चों, आप पहली पंक्ति के शब्दार्थ को देखा है, अब देखेंगे हम पहली पंक्ति का भावार्थ। एक बार पढ़ूंगा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे, दूध का मतलब जो मिल्क, जो गाय से बना वाला दूध नहीं है, जुंडी मतलब ना हेल नला तेने, आ तेने ली उलगड़े इरुवंता कालु, आ काली नली इरुवंता हा आ हालु, दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेते हैं वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंख वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये आप भी देखेंगे भावार्थ इसका। इस पहली पंक्ति में केदारनाथ अग्रवाल इस तरह कहते हैं कि एक नीले पंख वाली छोटी चिड़िया, एक
नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है। देखो यह चिड़िया बहुत संतोषी है, इच्छा अनुसार भी है, संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न मतलब होता है भोज्य पदार्थ से प्यार है। सब लोगों को जो अन्न से प्यार होता ही है, उसी तरह पक्षी पक्षी को भी अन्न से प्यार है, बहुत प्यार है। वहां दूध से भरे ज्वार के दानों को, मतलब जो दूध से भरे ज्वार के दानों को खाना बहुत पसंद करती है। दानों को बहुत ही रुचि से, मैंने बताया है रुचि मतलब लाइक इच्छा, इच्छा होती है ना, इच्छा के अनुसार खाती है। आप लोगों को कुछ घर पे चावल बना दिया है तो पसंद नहीं रहता, इच्छा का मतलब होता है पसंद, जो पसंद नहीं होता रुचि से, वो पसंद से खा लेती है। किसको? जुंडी के दाने, जो दूध से भरे होते हैं जुंडी के दाने को पसंद से खा लेती है। उसी तरह रस लेकर खाती है, जो दूध होता है ना उसको हम रस के, रस के अनुसार वो चूसती है, खाती भी है। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने का जो अभिव्यक्त कर रहा है, जो पक्षी जंगल में वन में कैसे रहते हैं उसी तरह समाज में हर मानव भी रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और दूसरों की सहायता करना चाहिए, जो अच्छा खाना खाना चाहिए। इसी तरह जो पक्षी के माध्यम से कवि हर मनुष्य को बता रहा है, इसका मतलब है खुद खुश रहना। देखो हम लोग लालची लोग हैं, आलसी लोग हैं। कैसे? जो हम खुश रहने से हम समझते हैं कि सिर्फ हम ही खुश रहना है, गलत, क्योंकि हमारे साथ दूसरे भी खुश होना है, खुश रहना भी है। उसी तरह तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। देखो मैंने अन्न के महत्व का जो कुछ वाक्य देना चाहता हूं, अन्न का महत्व आप लोगों को, सभी लोगों को, जो इस दुनिया में कोई चीज जो है अन्न का महत्व बहुत है, क्योंकि अन्न से हर आदमी प्यार करता है, क्योंकि अन्न से पेट भरता है, खुशी होती है, जो खाने से आनंद मिलता है, अन्न से हम लोग जी रहे हैं, इसलिए अन्न का बहुत महत्व इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल यहाँ पर दिया गया है। जो छोटी सी पक्षी यहाँ पर बता रही है कि मैं इस तरह रहना चाहती हूँ।